हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, जय राम जी की। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवत भगवत के बारे में कैसे क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छे खास क्वेश्चन है। इस भगवत में वीडियो में आपको बताएंगे घटाएं एक भगवत को दूसरे भगवत में से घटा कैसे घटाता है, घटाते हैं या व्यवकलन करना। इसी को बोलता जाता है कि दे दी आपको 9a-3b+14 और -2b-4a-9 का व्यवकलन क्या, मतलब इसको इसमें से घटाइए। इसका व्यवकलन अंतर होता तो आपको अंतर करना या घटाइए कुछ भी पूछो, अंतर व्यवकलन घटाना कहलाता है। ठीक है, व्यवकलन को मतलब ही घटाना होता है। ठीक है, तो कुछ भी पूछे आधा घटाए तो आपको क्या करना, घटाना। तो वो आपको दो तरीका बताएंगे आपको घटाना किस तरीके से, आपको जैसा लगे वैसा कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब आपको क्या करना है, इसको घटाना है तो आपको क्या करना है, इसको पूरा हम अभी आपको बता रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीका से। 9a-3b+14 लिख दिया पूरा ए वाला बहुपद, ए पूरा बहुपद हमने उतार दिया, डिटो ए वाला बहुपद नीचे उतार के बिल्कुल समान पद के नीचे उसका पद लिख दो। बी वाला पद यहाँ पर, तो बी के नीचे माइनस का 2b था तो 9a-2b लिख दिया, माइनस का ए था तो माइनस का 4a हमने लिख दिया। ठीक है, माइनस का 9 था अचर पद के नीचे लिख दिया। बस आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से देखना क्या करना, घटाना। तो यहाँ बगल पे लिखे थे घटाना घटाने पर, ठीक है, हमने लिख दिया कि अब बस माइनस का यहाँ तक लिख दिया घटाने पर। तो घटाना में क्या करना पता दोस्तों, यहाँ पर नीचे के पूरन के चिन्ह बदल है, नेक्स्ट वाले पद के आपको चिन्ह बदल है, जे पद है इसके पूरे के चिन्ह बदल है। क्या करना, चिन्ह बदल है, चिन्ह चेंज कर देना, माइनस घटा तो चिन्ह तो परिवर्तित करना ही पड़े अपना। जैसे इस बहुपद को घटाएंगे तो इसके नीचे इसी को घटाना है, इसको इसी में से अपने इसको घटाना है, जे घटा ई में से अपने इतने घटाने, तो इसके सवाल के चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे जभी तो घटेंगे, नहीं तो माइंड में सेट करो कि हमने इसका चेंज कर दिया, नहीं ऐसा आपको ध्यान नहीं रहेगा चेंज कर दिया हमने क्या। आप 9 में से 4, अब यहाँ पर तो माइनस पहला ही है, तो भाई अपन माइनस से घटा रहे तो माइनस को फिर भी प्लस बन जाए तो 9 4 13, इसके लिए आप क्या करें पहले चिन्ह बदल लो। ठीक है, वो आपको पता नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है, तो पहले चिन्ह करें, इसका चिन्ह क्या था, माइनस का था, पहले माइनस था, इसका चिन्ह करेंगे माइनस से, माइनस का तो प्लस कर देने का, प्लस का तो माइनस कर देने। ठीक है, जे माइनस का तो सोने प्लस कर दिया, इसका भी माइनस है तो प्लस कर देंगे, इसका भी माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आपके इन चिन्हों का कोई महत्व नहीं रहेगा, अब इन चिन्हों का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर जे चिन्ह काम नहीं करेंगे। अब आपके चिन्ह कौन काम करेंगे हम आपको अब बता रहे हैं। अब आपके कौन चिन्ह काम करेंगे, जो नीचे जो आपने चिन्ह बदल देंगे, अब आपके जे काम करेंगे। 4 यहाँ पर प्लस के पहले माइनस का था, अब आपने घटाना कर दिया चेंज हो गया, 9 4 यहाँ प्लस के हो गया, तो प्लस प्लस में जोड़ होता तो जोड़ो, 9 4 कितने हो जाते 13, 9 4 13 और समान है, 4 एक जैसे हैं, 4 तो एक जैसे जमा जोड़ के, अगर 4 अलग अलग होते तो ना जोड़ते, 4 समान है घाते भी समान है तो गुणांक जुड़ जाएंगे, 9 4 कितने हो जाएंगे 13 और 4 जाएगा तो 13 ही आ जाएगा। अगर अलग अलग 4 होते जैसे हम कहेंगे आपका 2a में 2b कैसे जोड़ दो, जे तो समान है, अचार से कोई महत्व नहीं, आपका 4 नहीं समान है, यहाँ पर बी है यहाँ पर ए, तो जे नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, जय के तय लिखे रहेंगे, तो 4 समान है घात समान है तभी जुड़ेंगे, नहीं तो ना जुड़े। ठीक, घात भी समान बहुत सारे, यहाँ पर प्लस माइनस में अब क्या हुआ घटाना, तो आपका माइनस का बड़ा है तो माइनस में से घटाएंगे, 4 भी समान है घात भी समान है, 4 समान है घात एक एक सबकी एक एक है समान है बिल्कुल, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1b, तो खाली बी बस लिख दो सिर्फ एक ही बी कहला, एक भी जरूरी लिख दो नहीं है, बी बस लिख दो सिर्फ एक ही बी कहलाती है। अब यहाँ पर प्लस के जी है, प्लस प्लस के 2 ही, तो 14 में जोड़ जाए 14 9 के 2 आपके 23, यहाँ पर जी आपका क्या हो गया घटाना हो गया। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आपको ऐसा करना हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप घटाने के लिए 9a-3b+14 और आपको घटाना तो माइनस लगाना पड़ेगा, मैसी की जगह इसकी जगह का लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस लगाओ और आपको जे लिखोगे तो कोष्टक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लग गया तो जे लिखोगे तो कोष्टक जरूर लगाना होगा, -2b-4a-9। अब आपका क्या होगा, इसका कोष्टक तोड़ेंगे खोलेंगे तो चिन्ह का अंतर गुणा होगा -9 3b+14, इसका अंतर गुणा हो तो माइनस माइनस के क्या हो जाएगा प्लस के 2b,
और माइनस माइनस की में हो जाएगा, चार बी प्लस के हो जाएगी और इसका अगले में गुणा होगा माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि चेन यहाँ पर चेन चेंज करने पाते, जो माइनस का था जे भी माइनस था जे माइनस था, ठीक है, तो इसलिए हमने चेन चेंज कर दिए तो फिर जोड़े। अब यहाँ पर देखो नौ ए प्लस का है, यहाँ भी चार ए प्लस का, नौ ए चार कितने हो जाएंगे तेरह ए, माइनस का तीन भी है प्लस का दो भी, तीन में से दो गया तो माइनस का बी बचा और प्लस का नौ है प्लस का चौदह, तो चौदह नौ हो जाएंगे आपके तेईस, तो जे ऐसे आपके ऐसा भी जोड़ा गया, बिल्कुल ऐसे भी दे सकते हो ऐसा भी दे सकते हो, आएगा उतना ही तेरह ही माइनस के बी और प्लस के तेईस आएगा उतना ही, जितना आता है आंसर तो उतना सेम ही आएगा, आया ना देख लो सेम, आपका तेरह ए माइनस के बी प्लस के तेईस, यहाँ पर तेरह ए माइनस के बी प्लस के तेईस, फिर तो सेम है। तो दोस्तों अगर वीडियो तो थोड़ी अच्छा लगा हो आप लोगों को, समझ में आया तो एक कमेंट अपना कर देना, उम्मीद है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जा रहा हूँ, धन्यवाद।